लेबर बाई नहीं किया आज पे कौरान तारण मगर लेबर बाई अब दोदर मज फेरान अच्छा दोन दोन मज फ लेबर वेबर कहाँ मजूर वजूर ना मजूर बन कह उमो क्या त्रम मजूर हाँ नमत सा मजूर पता अनपढ़ मे बुनि अच्छा और जहाँ तक मैंने देखा है कि इसमें डिसल्टिंग हुई है रही पिछले साल का जो 5 लाख का प्रावधान रखा गया था इसमें इन्होंने एक्सक्यूवेशन की खुदाई की थी तो मैं देख लूंगा और अगर इसमें कोई बंदा इन्वॉल्व होगा आई विल टेक द एक्शन तो जब तक मैं खुद जाऊं वहां मैं देख लूं वहां मैं फाइल्स को भी देखूंगा जो 1,75,000 रुपए निकाला गया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है इस साल उन्होंने डिसल्टिंग की है डिसल्टिंग बाजब्ता पैसा जो है हमने जॉब कार्ड होल्डर्स को दे दिए हैं और इस जमीन भी मैं देख लूंगा कि बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है हालांकि मैंने नहीं देखा है लेकिन काम हुआ है और हम उसी स्तर पे इस वक्त मौजूद है पालपुरा का ये सर है और देख लीजिए कितना अच्छा काम हुआ है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ने निकाली है 1,75,000 में डिपार्टमेंट कह रहा है हमने इसमें घास वगैरह निकाली है लेकिन मुझे भी खुदारा समझाएं क्या इस सर में से घास निकाली गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि आज हम कुछ डेवलपमेंट के काम आपके सामने रखना चाहते हैं और ये डेवलपमेंट जो है पालपोरा करालगुंड में हुई है जिसे काजी आबाद का नाम भी दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जहां हमने वीडियो काजी आबाद से अब्दुल रशीद गनाई से बात की है, अब्दुल रशीद गनाई का मानना है कि बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है हालांकि मैंने नहीं देखा है लेकिन काम हुआ है और हम उसी सर पे इस वक्त मौजूद है पालपोरा का ये सर है और देख लीजिए कितना अच्छा काम हुआ है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कैमरामैन को कहता हूँ थोड़ा वो आपको दिखाएं और इस सर के लिए पिछले साल 5 लाख रुपए निकाले गए हैं। इस सर के लिए पिछले साल 5 लाख रुपए निकाले गए हैं और इस साल की बात करें तो इस साल में 1,75,000 विड्रा किए गए हैं के अकाउंट से। हालांकि इस सर के लिए इस बार 3 लाख रुपए और आए हैं लेकिन 3 लाख में से 50% पेमेंट डिपार्टमेंट ने निकाली है। 1,75,000 में डिपार्टमेंट कह रहा है हमने इसमें घास वगैरह निकाली है लेकिन मुझे भी खुदारा समझाएं क्या इस सर में से घास निकाली गई है। अगर घास निकाली गई है तो वो पौधे जो नजर आ रहे हैं वो क्या है, डिपार्टमेंट इसका जवाब दे दें। और डिपार्टमेंट ने कहा है जो 5 लाख उन्होंने खर्च किए हैं उसमें ये बता रहे हैं कि हमने इसकी खुदाई की है, क्या वाकई इसमें खुदाई हुई है, क्या वाकई डिपार्टमेंट ने इसके लिए बंड दिया है, कौन सा बंड है देख लीजिएगा। कैमरामैन थोड़ा जूम करके आपको दिखाएं, ये बंड लगाया है डिपार्टमेंट ने और करालगुंड में बैठा हुआ डीडीओ मुझे बता रहा है कि काम वहां पे हुआ है और जो भी अगर काम नहीं हुआ होगा जो भी मुलवस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां के इस VLW GR और JE को पूछ लीजिए कि क्या ये वाकई काम है, क्या आप सेटिस्फाई है जितने पैसे निकाले हैं आपने, क्या आप उस चीज से सेटिस्फाई है कि हाँ इतने में काम हुआ है। विजुअल आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा मैं, कैमरा मैन ने जूम करके आपको विजुअल्स दिखाए हैं, इसे बंड कहा जाता है और इस बंड के लिए डिपार्टमेंट ने 5 लाख रुपए निकाले हैं। क्या उस JE की सर्टिफिकेट रद्द नहीं होनी चाहिए, कहां से उसने ये फेक डिग्री लाई है JE ने, क्या JE को अभी तक किसी ने नहीं बताया है कि किसके लिए आपने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, क्या इस JE को किसी ने नहीं बताया है कि 1,75,000 रुपए किसके लिए निकाले आपने इस साल, 1,75,000 निकाले गए हैं इस सर के लिए इसकी खुदाई के लिए, 5 लाख निकाले गए और फिर वो मिट्टी कहां गई जो यहां से खुदाई करके मिट्टी ले गए वो कहां गई, उसका कोई सबूत नहीं है। और इसकी अगर हम बात करें खुदाई करने के बाद मिट्टी होती है वो मिट्टी इसके लिए इस्तेमाल की गई है बताया जाता है कि ये बंड है, क्या इतनी ही मिट्टी इससे निकली है, अगर इतनी ही मिट्टी निकली है तो JE और BDO को सस्पेंशन आज शाम तक मिलना चाहिए। अगर इस घटिया JE ने इतना घटिया काम नहीं किया है तो JE सामने आकर क्यों नहीं लोगों के सामने आ रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है, कभी इस JE को BDO ने नहीं पूछा है और कभी ACD ने नहीं पूछा है। ACD भी अपने घर के कामों में मसरूफ रहता है और BDO भी काम घर के कामों में मसरूफ है।
क्योंकि 5 लाख निकालना ये पब्लिक का पैसा है और इस पब्लिक के पैसे के साथ जाती है। और ये खिलाड़ी बने घूमते रहते हैं, जेई की बात करें, वीएलडब्ल्यू की बात करें, जीआरएस की बात करें, ये खुद को इतना शातिर समझते हैं कि जियो टैग करने के बाद वो फोटो अटैच करके बताते हैं कि हमने काम किया है, ये जियो टैग का नाम दे रहे हैं। लेकिन मुझे खुदा रहा बताइए, सपाट पे मौजूद हूं, 2022-23 में 1,75,000 निकाला गया, किस बात के लिए निकाला गया डिपार्टमेंट सामने आकर बताएं। पिछले साल 5 लाख इसी से इन लोगों ने कमाए हैं, क्या काम किया है डिपार्टमेंट करके दिखाएं, हमें दिखाएं डिपार्टमेंट कहां काम किया है। और वीडियो की बाइट सुनिए, और ये वीडियो इस तरह से बाइट दे रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई अच्छा काम करके गया है। वीडियो ऑफिस से वहां पे 1,75,000 का काम किया गया है, हालांकि पिछले साल इसी सर में 5 लाख का काम किया गया। फिलहाल हमारे साथ है वीडियो कादिराबाद, जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से, जो काजियाबाद में इस वक्त वीडियो साहब बैठे हैं, उपदर्शी गनाई साहब, जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो साहब आपका वेलकम है, आप हमें बता दीजिए इतना पैसा खर्च हुआ है तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? जहां तक जो पालपुरा में अमृत सरोवर बनाया गया है, इसमें साल 3 लाख प्रावधान रखा गया, लेकिन 1.7 इसकी पैसे जो है वो निकाले गए हैं। और जहां तक मैंने देखा है कि इसमें डिसल्टिंग हुई है। रही पिछले साल का जो 5 लाख का प्रावधान रखा गया था, इसमें इन्होंने एक्सकीवेशन की, खुदाई की थी, तो एक बार मैं फिर वहां पे जाऊंगा और मैं देख लूंगा कि अगर इसमें कहीं भी मुझे लगा कि कोई कोताही हुई है, जो भी मुलाजिम है उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। सर आप बताए हैं 5 लाख का काम हुआ है, खुदाई हुई है, उसके बाद मिट्टी भी निकली होगी, वो भी कहीं एड्रेस हुई होगी? बिल्कुल, मैं देख लूंगा, और अगर इसमें कोई बंदा इन्वॉल्व होगा आई विल टेक एक्शन। तो जब तक मैं खुद जाऊं वहां, मैं देख लूं वहां, मैं फाइल्स को भी देखूंगा, क्योंकि हमारे पास जो टेकर फोटोग्राफ होते हैं हर काम का, इसलिए बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कि इसमें अगर कोई इन्वॉल्व होगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई। लोग कहते हैं इसमें शक की गुंजाइश है, जो 1,75,000 रुपए निकाला गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस साल उन्होंने डिसल्टिंग की है, डिसल्टिंग बाजब्ता पैसा जो है हमने जॉब कार्ड होल्डर्स को दे दिए हैं, और इस जमीन भी मैं देख लूंगा अगर कोई। क्या वाकई वहाँ पे लेबर्स काम कर रहे थे? बिल्कुल, जहाँ तक आपकी नॉलेज में, मैंने तो रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा पैसा जो है ये हम जॉब कार्ड होल्डर को पैसा देते हैं और वही लोग काम करते हैं। अच्छा सर, सुनने में आया है कई जगहों से ऐसी भी शिकायतें मौसूद हो रही है, जो जॉब कार्ड होल्डर्स है वो काम करते भी नहीं है, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, फिर उनसे लिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, क्या आपके पास ऐसी कंप्लेंट? नहीं नहीं, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है, अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है तो वो मेरे पास आए, मैं देख लूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जहां तक रूरल डेवलपमेंट नरेगा का ताल्लुक है, काम जॉब कार्ड होल्डर्स करते हैं और उन्हीं को पैसे मिलते हैं, जो काम ڈپارٹمنٹ نمت کڑا درمن ومن سوری نیبر شہر سر یل پہ باسان اتھ گاس واس وچ مے باسے اتھ کوڑمت اتھے پھروا سہ ڈوزر پھروا مجھے ڈوزر جے سی بی مگر ڈپارٹمنٹن ہے دپان اس لیبر یت لگائی میں لیبرن کڑے پونس ڈوزر با یت ما سو چین وول اچھا سوی با کرا ات اور دباو نہ سال پات گئی بے کھڑا پات گئی بے کھڑا بے گئی گو ڈوزر سے لوکو وکو کرن کام نہ لوک بھائی نہیں کی اتے کیا یہ کیا لوکو کرن کام نہ 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 ڈوزر سے کرن کام ڈوزر سے پچھو باسا کہ 7.5 لاکھ یہ پتمی وری پہ کام گسا دون ورین چھ او یت سات لاکھ میں بس بیکل ان پڑھ اخ مین بن چھن گمس 5 پوسن کام تے اگر زمیندار تے اسی سو کر یت صفائی یت نو دین تو بے تھانی دورس نو گارد کن تی چھ گم دیا اچھا تو کیا چھو نا ڈپارٹمنٹ کیا ایکشن گتھ من خلاف نی ات گتھ کاروائی اصل پٹ گسا ہاں ات کی تو چھ باسا من گس ٹرمنیٹ گسا ہاں یمو یہ ظلم کو تو اسی ات کیا چھ ظلم چھن لیبر ویبر مزور وزور مزور مزور ہاں 90,000 ان پڑھ مین بن لیبر ویبر لیبر بنہ
आजन पे क्वारान ते कारण मगर लेबर भाई ने लेबर भाई ने के के डोजर उस अलावा बस डोजर सुचिन बोल सु पही बोल शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन इस वीडियो को नहीं पता कितना घटिया काम किया है और कितना घटिया इसका VLW है, JE है, कितने घटिया लोग है वो, और उन घटिया लोगों ने कैसे बिल छोड़ दी 5 लाख की, उन घटिया लोगों ने 1,75,000 कैसे निकाले इस सर के लिए। ये पालपुरा का सर है और इस सरबंद को लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं, हर दिन आए रोज इस पे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद अंदाजा किया जा रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है, जराए के हवाले से खबर है। इधर मुकामी लोगों ने भी मुझे बताया कि शायद पैसे इसके लिए निकाले गए हैं लेकिन अफसरों का जेब गर्म करने के लिए, लोगों के लिए कोई फायदा मंद तो है नहीं, लोगों को क्या फायदा है इस चीज से। घास इसमें अभी भी मौजूद है और डिपार्टमेंट ने 1,75,000 निकाला, सरबंद का कोई अच्छा काम तो है नहीं, पिछले साल 5 लाख निकाले तो इसका मतलब 6-7 लाख रुपए 2 साल में निकाले गए, लेकिन क्या 7 लाख का काम है? अगर ये 7 लाख का काम है तो हमें ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए। आज इस वीडियो के जरिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मिस्टर सागर डाइफोर्ड को हम अपील कर रहे हैं, क्योंकि उसका काम अच्छा है, काम सराहने के लायक होता है जो कुछ एजुकेशन सेक्टर में हमने देखा, और इससे आज लोगों की अपील है, बड़ी मेहरबानी, इनकी सर्टिफिकेट रद्द होनी चाहिए, इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए जिन्होंने ये घटिया काम किया है। उम्मीद है रिपोर्ट नशर होने के बाद ऐसा ही कुछ होगा। मेरे कैमरामैन शाहिद, वीडियो जर्नलिस्ट शबाहत को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।